कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में नॉर्मली मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, काहे को घबरा रहे हैं? बहुत लोग हैं चार चार महीना छः छः महीना तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं। आज 9 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के लगा करके, काम विधानसभा में हम देखे हैं बड़ा स्मूथली चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि जैसे ही ये विधानसभा का सत्र समापन में होगा, उसमें आप देखेंगे कि मंत्रालय भी बदलेंगे, मंत्री भी बदलेंगे। इसलिए उनकी जो उसको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, और अगर उनको चिंता करना चाहिए था तो आज हम 43 वर्ष से विधानसभा में हैं और आज तक ऐसा नहीं देखा। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर भी थे नेता विरोधी दल, अन्य लोग को भी देखा नेता विरोधी दल रहते हुए, लेकिन बजट सेशन छोड़ करके भाग गया हो और बाहर जाकर कुछ अलूल जुलूल बात बोल रहा हो, ये प्रथम बात है। अब जब वो लूल जुलूल बात बोलते हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं कि हम 17 महीना में सब कुछ किया। क्या मुख्यमंत्री नहीं होता है? उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है? वो तो एक मंत्री थे, ये अलग थी कि उनको 5 को विभाग दे दिया गया था। वो विभाग में बहुत कुछ क्या क्या किए हैं उसका भी आप सुन ही रहे हैं कि होगा वारा न्यारा, कौन क्या गलत किए हैं। तो एक मंत्री कहे कि 17 महीना में हमने एक कर दिया है तो ये कितना, हम तो समझते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको मूर्खता ही कहा जा सकता है, अज्ञानता ही कहा जा सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं तो जो लोग मूर्ख है वो उनकी बात को समझ रहा है, जो विद्वान है जिनको संविधान का ज्ञान है वो हंसता है कि बताइए मुख्यमंत्री हर चीज़ के लिए जवाबदेह है, मुख्यमंत्री सब डिसीजन लेता है, मंत्री कौन होता है जो कहते हैं कि 17 महीना में हमने ये कर दिया। अगर शिक्षा नियुक्ति की बात अगर कर किए हो तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में भूदान सीलिंग और बिहार सरकार की है, हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तब हम मानते, राजस्व विभाग उन्हीं के पास था तो वो तो पड़े क्या भाई, तो ट्रांसफर कोचिंग में पड़े जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ कि मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचल अधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग, आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक लिए। तो मुख्यमंत्री का वर्चस्व होता है, जो मुख्यमंत्री चाहेगा वो करेगा। तो वही नियुक्तियां में भी हुई है, नियुक्तियां में जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहते एक नियुक्ति भी वो नहीं कर सकते, तो वो क्या समाज को कह चल रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब किया? तो कहने का मतलब वो गलत राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मूर्ख समाज है उसमें वो कहते चल रहे हैं, और राजनीतिक रूप में जो पटु समाज है उनको इस तरह से हंसी कर रहे हैं।